नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसानों की अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर की पाठशाला में। तो गाइस, आज हमारे 5204 ट्रैक्टर का एक टायर निकल गया है और ये टायर कैसे निकला, क्यों निकला, वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए, वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिल जाएगा। तो किसान भाई वीडियो को पूरा देखते रहेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा दे ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए किसान भाइयों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये मेरे फादर है और इनके ट्रैक्टर चलाने का अंदाज बहुत ही निराला है, क्योंकि आप देखो ट्रैक्टर का क्या हाल किया है और इसका पूरा एक टायर नीचे गिरा दिया है। और ये कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सुबह में आए थे और यहाँ पर जो हमारा ट्रैक्टर खड़ा है इसके नीचे जो ढलान दिख रही है, इस ढलान को खोदने के लिए ये यहाँ पर जुताई कर रहे थे। हमारे जैसे लोग प्लेन जगह पर जुताई करते हैं, लेकिन ये महाशय यानी कि मेरे फादर यहाँ पर इस टेढ़ी जगह पर जुताई कर रहे थे। और इनका काम ही ऐसा है, असंभव काम को ये संभव करके दिखाते हैं। तो ये देखो, हमारे ट्रैक्टर की एक्सल पूरी तरह से मिट्टी में घुस गई है और इसके थ्रेड भी नहीं दिख रहे। और अभी हम इसको क्या करेंगे, कैसे बाहर निकालते हैं, आपको वीडियो में बने रहना, आपको सारी जानकारी बताते हैं। और ये देखो हमारे कल्टीवेटर यहाँ पे ये जुताई कर रहे थे और यहाँ पे ऊंची नीची जगह है तो यहाँ से ये ट्रैक्टर आगे जाता होगा और यहाँ पे ये आगे पीछे कर रहे थे। तो शायद ये ट्रैक्टर यहाँ पे कुछ ज़्यादा दबाव पड़ा होगा टायर पर और ये टायर हमारा निकल गया होगा। और ट्रैक्टर के नीचे जो मिट्टी है उसको खोद के ये बाजू वाले खड्डे में डालना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ पर ये काम कर रहे थे। मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन इन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया है। तो अभी हम इस ट्रैक्टर का रेस्क्यू करेंगे, आप वीडियो में बने रहना। तो हमारे जो एक्सल नीचे ज़मीन में घुस गई है उसको बाहर लाने के लिए मैं यहाँ पर दो जैक लेके आया हूँ और यहाँ पर हम दोनों दो जैक की मदद से इस ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे। तो कैसे करते हैं आप देखते रहिए। तो गाइज, ये देखो हमने एक्सल को बाहर निकाल दिया है और इस काले वाले जैक को हमने सबसे पहले यहाँ पर लगाया था, तब ये एक्सल पूरी तरह से ज़मीन में घुसी हुई थी। और उसके बाद हमने इस लाल वाले जैक को यहाँ पर लगाया था और बारी बारी से दोनों जैक को ऊपर उठाते रहे। और यहाँ पर आपको जो छोटी सी जगह दिख रही है वो पहले ज़्यादा जगह थी वहाँ पर और उसको अब कम कर दिया है। और दूसरी साइड नट फंसाने के लिए हमने यहाँ पर जगह बना दी है, यानी कि हमारा जब टायर पंचर पड़ता है तब हम कुछ भी चीज़ यहाँ पर रख देते हैं जिससे हमारा उधर वाला टायर ऊपर हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा, आप करते ही होंगे अपने ट्रैक्टर में, तो हमने इस तरह से इस नट को फंसा लिया है यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पूरे ट्रैक्टर का वजन इस साइड वाले टायर पर आ जाएगा और उधर वाला टायर जो निकल गया है वो ऊपर उठा रहेगा और हमारा ट्रैक्टर चलने लायक हो जाएगा। तो गाइस, हमारा काम ख़त्म हो गया है और हमारे ट्रैक्टर का वजन इस वाले टायर पर आ चुका है और इधर वाला टायर है जो निकल गया है वो ऊपर उठा रहेगा। और अब हम इस ट्रैक्टर को चालू करने वाले हैं और यहाँ से निकालने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, आगे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइस, अभी मैं ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया हूँ और ट्रैक्टर को चालू करने वाला हूँ और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो गाइस, अभी मैंने ट्रैक्टर की क्लच छोड़ी और ट्रैक्टर थोड़ा सा पीछे हुआ, उसके बाद ट्रैक्टर का उधर वाला साइड जो दिख नहीं रहा है वो स्लिप मारने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम किसी भी फ्रंट टायर को ऊपर उठा लेते हैं तो हमारे पूरे ट्रैक्टर का वजन इन दोनों टायर पर आ जाता है, यानी कि हम इस टायर को ऊपर उठा लिया है हमने तो हमारे पूरे ट्रैक्टर का वजन इन दोनों टायर पर आ चुका है। तो उसके बाद जो आपको पीछे वाला टायर जो दिख नहीं रहा
वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, तो उसके ऊपर लोड नहीं आएगा तो वो स्लिप करने लगेगा। तो इस तरह से हमारा एक टायर स्लिप क्यों मारने लगता है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ट्रैक्टर का डिफरेंशियल इस तरह से वर्क करता है कि जो भी हमारा फ्री टायर होगा उसके ऊपर पूरी पावर निकाल देगा। जिस टायर पर हमारा पूरे ट्रैक्टर का वजन होगा वो टायर नहीं घूमेगा, और हमारा जो भी फ्री टायर होगा उसके ऊपर पूरी पावर निकाल देगा तो हमारा टायर स्लिप करने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक दिया गया है तो आपको उसको दबा देना है तो आपका ट्रैक्टर आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक नहीं दिया गया तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोनों टायर की ब्रेक को अलग करके जो टायर स्लिप कर रहा है उसकी ब्रेक को दबा कर रखिए आप, और क्लच छोड़िए तो आपका ट्रैक्टर आसानी से निकल जाएगा। मेरे ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक दिया गया है लेकिन मैंने उसको लॉक कर दिया है, तो मैं एक टायर जो स्लिप कर रहा है उसकी ब्रेक को दबाकर ट्रैक्टर को निकालने वाला हूँ। तो अभी आप देखिए कि बिना ब्रेक दबाए कैसे स्लिप कर रहा है मेरे ट्रैक्टर का एक टायर। ये देखो गाइस, हमारा ट्रैक्टर आसानी से बाहर निकल गया है, और हमारे ट्रैक्टर की एक्सल कुछ इस प्रकार से हम इसको घर ले जाएंगे। और हमारे ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक ये देखो कुछ इस तरह से मैंने लॉक कर दिया है इसको, और इसको क्यों लॉक कर दिया है और डिफरेंशियल लॉक को कैसे यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है वो जानने के लिए आप कमेंट कर दीजिए मुझे, तो मैं आपको उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप कमेंट कर सकते हैं डिफरेंशियल लॉक का यूज़ जानने के लिए। तो गाइस, अभी मैं हमारे ट्रैक्टर को मिस्त्री के पास ले जाता हूँ और हमारे टायर को ठीक करवाता हूँ, और आप वीडियो में बने रहे इसको कैसे ठीक करवाता हूँ और इसमें क्या क्या ख़राबी हुई है। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए आगे, और ये देखिए हमारा टायर, और अभी हम जाते हैं मिस्त्री के पास, और आगे भी मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी, बने रहिएगा वीडियो में। तो फिर चलिए, तो गाइस, ऐसी कंडीशन में अगर आपका ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग नहीं होगा तो आपका ट्रैक्टर ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा एक साइड। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होगा, पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर को आप छोड़ भी दोगे या उसको ढीला भी पकड़ोगे तो आपका स्टीयरिंग मुड़ नहीं जाएगा, खींच नहीं जाएगा एक साइड। और अगर आपके पास सादा ट्रैक्टर होगा, सादी स्टीयरिंग वाला, तो उसका स्टीयरिंग आपको टाइट पकड़ के रखना होगा, क्योंकि उसका स्टीयरिंग एक साइड खींच जाता है, मुड़ जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो और आपका ट्रैक्टर का स्टीयरिंग सादा वाला है तो आपको अपने ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को टाइट पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो गाइस, अभी मैं मिस्त्री के पास आ गया हूँ, और अभी हमारे ट्रैक्टर का टायर ठीक हो रहा है, और इसके एक्सल के जो थ्रेड होते हैं जिसको हम चूड़ी बोलते हैं वो पूरी तरह से घिस गए थे, तो मैंने उसके ऊपर नई नट लगा दी है, और अब मैं उसके ऊपर वेल्डिंग करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी एक्सल के थ्रेड पूरी तरह से घिस गए है। तो अगली बार जब ये खुलेगा तो उसके ऊपर हम नए थ्रेड बनाने वाले है,
तो इस बार तो हमने जैसे तैसे फिट कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर वेल्डिंग करवाने वाला हूँ क्योंकि इसकी नट निकल ना पाए और जब तक चलेगा तब तक चलने देंगे और उसके बाद जब निकलेगा फिर से तो उसके ऊपर नए थ्रेड लगवाएंगे। तो फिर चलिए गाइस, हमारा ट्रैक्टर हो गया है ठीक और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।